वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। ओ या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां सर्वत्र विराजमान और कालरात्रि के रूप में प्रसिद्ध माता अम्बे आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे मां मुझे पाप से मुक्ति प्रदान करें। जय माता दी। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञान वर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज चैत्र नवरात्रि सातवें दिन माता कालरात्रि की कथा और महिमा के बारे में सुनते हैं। माता कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करने वाली है। चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा के नौ रूपों का नौ दिनों तक पूजन किया जाता है। जो भी भक्त माता दुर्गा के नौ रूपों का नौ दिनों तक पूजन करते हैं, सच्ची श्रद्धा व विश्वास के साथ माता उनके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और उनकी सदैव रक्षा करती है। तो आइए सुनते हैं कालरात्रि माता की कथा। तो बोलिए प्रेम से कालरात्रि माता की जय, नव दुर्गा देवी की जय। कालरात्रि माता, इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला है। सिर के बाल बिखरे पड़े हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली मालाएं हैं। इनके तीन नेत्र हैं, ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदस्य गोल हैं। इससे विद्युत के समान चमकीली किरणें निसृत होती रहती है। माँ की नाशिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गधर्भ यानी कि गधा है। माता ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा में सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ के नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में, बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथों में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग यानी कि कटार है। माता कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयावह, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इसी कारण इनका एक नाम शुंभकारी है। अतः इनके भक्तों को किस प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की कोई जरूरी नहीं। माता कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है। इनके उपासकों को अग्नि भय जल जंतु भय शत्रु भय रात्रि भय आदि कभी भी नहीं होता। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। माता कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से उपासना करनी चाहिए। यम नियम संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन वचन काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वे शुभकारी देवी हैं। इनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती है। हमें निरंतर माता महाकालरात्रि का स्मरण करना चाहिए, ध्यान करनी चाहिए और माता की पूरे भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। माता कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है व दुश्मनों का नाश हो जाता है, तेज बढ़ता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माता जगदम्बा की भक्ति पाने के लिए इसे नवरात्रि में सातवें दिन इसका जप करना चाहिए। मंत्र ओम या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का या ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः, इस मंत्र का
108 बार कम से कम जप करना चाहिए। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम व निष्ठा के साथ माता कालरात्रि का पूजन करते हैं, माता उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। माता कालरात्रि हर प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली है। चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किया जाता है 9 दिनों तक। जो भी भक्त 9 दिनों तक माता कालरात्रि का नव दुर्गा देवी का पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, माता उन्हें समस्त प्रकार से सुख और समृद्ध बनाती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।